सरकार जिन्होंने चिट फंड के नाम पर गरीबों की कमाई लूट ली, तो आपको इतना डर न लगता। अगर आप उन टोलेबाजों को थप्पड़ मारने की हिम्मत दिखाती तो आज ट्रिपल टी यानी तृणमूल टोलाबाजी टैक्स, इसका दाग आपको बर्बाद नहीं करता। भाइयों और बहनों, मां माटी और मानुष की बात करके दीदी ने आप सभी का वोट बटोर लिया, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है? मां अपनी संतानों की सुरक्षा के लिए परेशान है, बेचैन है, बिलख रही है, रो रही है। आपने दूसरी बात माटी की कही थी। माटी लोकतंत्र प्रेमी निर्दोष नागरिकों के खून से लाल रंग में रंग गई है और मानुष, आपकी मां माटी और मानुष वाला मानुष डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। साथियों, आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। मैं गुरुदेव को नमन करता हूं, उन्हें आदरपूर्वक अंजलि कर देता हूं। ये मेरा सौभाग्य रहा कि आज के ही पवित्र दिन गरीबों का जीवन बदलने वाली तीन बड़ी योजनाओं की शुरुआत 4 साल पहले हमने कोलकाता से ही की थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना को देश भर में पश्चिम बंगाल की भूमि से ही लॉन्च किया गया था। सिर्फ 1 रुपये महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के कम प्रीमियम पर हमने गरीबों का बीमा, उनको सुरक्षा कवच प्रदान किया। मुझे संतोष है कि गुरुदेव की जन्म जयंती पर जो काम प्रारंभ किया, आज देश के 21 करोड़ गरीब इस सुरक्षा कवच से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके प्यार के लिए मैं आपका आभारी हूं। ये मैदान भी छोटा पड़ गया और आप इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। आप जहां है आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए, जहां है वहां खड़े हो जाइए। देखिए, औरों को भी परेशानी हो रही है, मैं जानता हूं। बंगाल का ये दृश्य दिल्ली में बैठ करके मैं भी अनुमान नहीं लगा सकता जो जुस्सा आप में है, जो प्यार आप बरसा रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार सर झुका करके आपका नमन करता हूं। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, मुश्किल की स्थिति में जो हमने ये बीमा कवच दिया है, मुश्किल की स्थिति में जिन 21 करोड़ परिवार
इससे जुड़े हैं। अब तक करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा क्लेम राशि इन मुसीबत में फंसे परिवारों को पहुंच गई है। साथियों, गरीबों का जीवन आसान बनाने, उन्हें अपना पक्का घर मिले, घर में रसोई गैस का कनेक्शन मिले, बिजली मिले, शौचालय मिले, वो सम्मान से जी सके, इसके लिए आपका ये सेवक लगातार काम कर रहा है। भाइयों और बहनों, गुरुदेव ने कहा था, ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां मन भय मुक्त हो और मस्तक सम्मान से ऊंचा हो। लेकिन पहले कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने और अब दीदी ने गुरुदेव की शिक्षा को ही तार तार कर दिया, चूर चूर कर दिया। वोट डालने तक के लिए यहां के मानुष को सोचना पड़ता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रचार करने पर हत्या कर दी जाती है। जय श्री राम और जय मां काली, जय मां दुर्गा, इसके उद्घोष करने वालों को दीदी इतनी बौखला जाती है जेल तक। Right, so that is Prime Minister Narendra Modi there holding a rally in Purulia, West Bengal, where he's essentially attacking Trinamool Congress on their schemes and essentially talking about how both under the Congress as well as the CPM rather and the TMC regime, people have been suffering in Bengal, and BJP provides an alternative. Time for us to slip into a short break. More news and updates on the other side.